पिछले अध्याय में पांचवें अध्याय में हमने सरगम के बारे में बताया और अभ्यास के लिए कुछ पलटे ताने या सरगमे बताए, तो हम उनको फिर से दोबारा रिवीजन करते हैं उनका या दोहराते हैं। तो जैसे बताया था कि आपको अंगूठा इधर रखना है, मेरा तो परेशानी का वायस है, एक्सीडेंट की वजह से, जैसा कि पिछले अध्याय में बता चुका हूँ, तो मैं इस तरह बजाऊंगा और आप जैसे ही बताया गया उसे बजाइए। चार चार बार स्ट्रोक दा और रा, गागित कर सकते हैं सा 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 बताते हैं, जैसे थोड़ी ज्यादा, इसका नाद ज्यादा आना चाहिए, हाँ इतना भी ज्यादा नहीं कि सुर खराब हो। तो अब पाठ की तरफ देखते हैं, अभ्यास हो और
अच्छी तरह से सफाई से बजे, ये होगी आपकी अभ्यास के लिए। तो अब दा और दिर का प्रयोग, दा एक बीट में, एक बीट, बीट का मतलब है कि काउंटिंग, लय की काउंटिंग है। जैसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये काउंटिंग है। अब इसमें एक एक दो एक, एक दो एक, एक दो, एक बीट में एक आए, दूसरे बीट में दो आए, डबल, ऐसे सिंगल डबल सिंगल डबल, ये ले जा रही है टक 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 टक। अब लय क्या चीज है गाने बजाने में? तो लय का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, महत्व है इसका। अब बिना लय के तो गाना बजाना ऐसे हुआ जैसे एक आदमी के हार्ट की बीट कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, तो वो स्वस्थ नहीं है, वो तो ऐसे ही है बस, कभी दिल का दौरा पड़ा नहीं पड़ा। तो ऐसे संगीत में भी है कि लय में गीत चल रहा है एक जैसी रफ्तार में, तो बढ़ना घटना तो धीरे धीरे होता है, कि लय शुरू करते हैं और मध्य लय से दुगुनी लय पर चले जाते हैं, तो ऐसे उसका समाप्त हो जाता है, तो वो तो धीरे धीरे बढ़ता है एकदम नहीं। तो ऐसे ही तो अब हमारे पास सितार के तीन बोल हो गए, दा रा और दिर। अब ऐसे समझिए इसी दारा दिर में ही सारा सितार समाया हुआ है, इन्हीं के परमोटेशन कॉम्बिनेशन से तो सितार के छंद वगैरह बनते हैं, उसी से गद्य गीत वगैरह का निर्माण होता है। ये तो बड़ी आगे की बात है। तो अब ये एक और अभ्यास के लिए देख लीजिए, उसके बाद और भी अलंकार हैं पढ़ते हैं अभ्यास के लिए। तो अब तो इतना संभव नहीं हो सकता कि छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ समाया जाए या बताया जाए, तो ये तो बड़ी लंबी परंपरा है, इसके लिए सीखना ही पड़ता है, उस्तादों के पास बैठ के घंटों रियाज करने के बाद ये चीज़ें। हाँ, फिर ये है कि जो लोग इस लाइन में सीखना चाहते हैं, शुरू शुरू में उनके लिए ये चीज़ फायदेमंद होती, बैठने का तरीका है या फिर सितार पकड़ने का अभ्यास का या कुछ अलंकार वगैरह। अब ये अगर ये सब कुछ पहले आप अभ्यास कर लेते हैं तो आगे जाकर शुरू में जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी गुरु के पास या उस्ताद के पास जाएं, तो आपको थोड़ा सीखने में ये सहायता दे सकते हैं। हाँ, आगे की तालीम की बात तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सब करने के बाद आप किसी अच्छे उस्ताद के पास, हाँ अगर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आप कुछ इसमें नाम कमाना चाहते हैं तो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो बिना उस्ताद के तो संभव नहीं है, क्योंकि अपने आप को उस्ताद मानकर चलना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि उस्ताद के साथ रहते हुए आपकी जो नियमता नियमित
अभ्यास का या करने का या परखने का, कहाँ तक आपने अभ्यास किया, कैसा किया, ठीक है गलत है, ये तो उस्ताद की ही बता सकता है या अच्छे गुरु जो है वो बता सकते हैं, भाई नहीं अब और करना है और करिए। और आपका जो डिसिप्लिन है, जो आपकी रेगुलरिटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए उस्ताद का बड़ा काम है। वो कहता है भाई बैठिए, बिठाता है रियाज पर, इतना देर रियाज करिए, अभी ठीक नहीं हुआ करिए। तो ये सब बातें आदमी को चैनलाइज करने के लिए बड़ी उपयुक्त हैं, बड़ी ठीक है। तो अब मैं आपको सत्र के बारे में बताऊंगा। साध स्वरूप के समूह को सत्र कहते हैं, जैसे किताबों में भी देखने में आता है, जो संगीत शास्त्र की किताबें हैं। तो पहला है जो आम सप्तक, हम जिसमें बड़े आराम से गाते हैं, जिसमें गले पर जोर नहीं पड़ता, या सुरों को उतारते समय या उसको मोटी आवाज की तरफ जैसे ले जाना है तो वो कठिनता पड़ती है। तो तार सप्तक में भी जो ऊंची आवाज लगाने का क्रम है उसमें भी परेशानी होती है। तो खैर मध्य सप्तक, तो ये सितार का मध्य सप्तक है, तो सा नी तक तो मध्य सप्तक हुआ। उसके बाद तो मध्यम तक, तो तार सप्तक, इसके आगे पर्दे वगैरह तो नहीं, मध्यम तक पर्दा होता है। तो उसमें हम यानी कि ये होगा आधा सप्तक यहां तक हो गया। तो ऊपर मध्य सप्तक से सा नी ये मंत्र सप्तक हो गया। मंत्र सप्तक के बाद तो गा ऊपर तक चला गया ये। तो और भी आगे दूसरी तारों पर जैसे अनुमंत्र में और खड़पन खड़ की तारों में, तो मंत्र अनुमंत्र तो यहां तक जाए, उसके लिए अभ्यास की और सिखलाई की जरूरत। तो ये हो गया हमारा मध्य सप्तक, मंत्र सप्तक और तार सप्तक। अच्छा अब इसमें सप्तक में कोमल भी है और तीव्र भी है। जैसे कोमल सा और शुद्ध, ये रे शुद्ध है। अब गा, ये गा शुद्ध, गा ये कोमल, मध्यम शुद्ध, सारे गा। अब तीव्र लगाएंगे सारे पंचम, तो कोमल तीव्र तो नहीं होता, सा भी बदलता। तो सात में से दो पांच स्वर, पांच स्वर जो ये बदलते हैं कोमल तीव्र होते हैं। धा शुद्ध,
पदानी नी शुद्ध नी कोमल। अब ये तार सा आ गया, ऐसे ही क्रमशः चलेंगे। आगे तार ऋषभ कोमल, तार ऋषभ कोमल गंधार, तार ऋषभ कोमल जीवन मध्यम इत्यादि द्वारा। अब सितार के सुरों को बदलना, जब ये पर्दा खींच के ऊपर ले जाएंगे यहां तक तो कोमल ऋषभ बढ़ेगा, ऐसे ही ये पर्दा धेवद वाला इसको ऊपर ले जाएंगे खींच के तो ये कोमल धेवद बढ़ेगा, तो नीचे वाला रे का पर्दा ऊपर ले जाएंगे तो कोमल ऋषभ बने, ऐसे ही तीव्र मध्यम तो यहाँ है, इसको शुद्ध मध्यम भी है, तो इसी तरह चार कोमल और एक जीव। अब कोमल क्या होते हैं? कोमल सुर जो अपने मूल सुर से उतरते हैं, जिनकी आंदोलन संख्या कम होती है, जैसे सा से कम है, माफ कीजिए रे से कम है, रे से कम है आंदोलन संख्या कोमल रे की, गा से कम है, शुद्ध गा से कम है कोमल गंधार की आंदोलन संख्या, और नी से कम है कोमल नी की आंदोलन संख्या, लेकिन मास और धा से शुद्ध धा से काम है कोमल धेवल की आंदोलन संख्या, लेकिन तीव्र मध्यम की जो आंदोलन संख्या है वो शुद्ध मास से पढ़कर है चढ़ जाती है। आंदोलन संख्या का मतलब है वाइब्रेशन प्रति सेकेंड, हर सेकेंड में कंपन संख्या तार की, ये जो वाइब्रेशन देख रहे हैं इसको आंदोलन संख्या बोलते हैं। तो आज का बस इतना ही, आगे कुछ और बताने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।